स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित जनरल नॉलेज के प्रश्न शामिल हैं, जिनमें चार ऑप्शन और उनका जवाब दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए रिफ्लेसिया, बी कैक्टस, सी कमल और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा रिफ्लेसिया का फूल, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर दो है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए हवा, बी ताप, सी जल और डी प्रकाश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ऑप्शन ए बादाम, बी साइकस, सी मूंगफली और डी ईक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साइकस। इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? ऑप्शन ए गाजर, बी आलू, सी मूंगफली और डी ये सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मूंगफली। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन ए भ्रूणपोष, बी पूर्ण बीज, सी बीजावरण, डी फल भित्ति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर छठा है, सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कीट, बी पक्षी, सी जल और डी वायु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कीट। क्वेश्चन नंबर सात है, अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? ऑप्शन ए लीची में, बी अंगूर में, सी सभी तरह के फलों में और डी आम में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अंगूर में। स्क्रीन पे आठवां क्वेश्चन है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केला, बी कपास, सी गन्ना और डी लीची। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गन्ना। क्वेश्चन नंबर नौ, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? ऑप्शन ए सोयाबीन, बी सोरघम, सी प्याज और डी मक्का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्याज। क्वेश्चन नंबर 10, एक सत्य फल परिवर्धित होता है? ऑप्शन ए पुष्पासन से, बी दलों से, सी अंडाशय से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? ऑप्शन ए आम, बी काजू, सी सेब और डी सुपारी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सेब। क्वेश्चन 12, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए तनों से, बी पत्तियों से, सी फलों से और डी जड़ों से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फलों से। इस वीडियो का 13वां क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या है? ऑप्शन ए एक बीज, बी एक बीजीय फल, सी फल और डी ये सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एक बीजीय फल। क्वेश्चन नंबर 14, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए फली, बी बीजाणु, सी गूदेदार पुष्पासन, डी ये सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी गूदेदार पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 15, बीज किससे विकसित होता है? ऑप्शन ए अंडाशयों से, बी बीजाणुओं से, सी पराग कोशों से और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी बीजाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी ट्रेविरेनस, सी लिवेन हॉक और डी लिनियस। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लिनियस। क्वेश्चन नंबर 17, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? ऑप्शन ए कुल, बी स्पीसीज,
सी वर्ग, डी, ये सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज। हमारा इस वीडियो का 18वां क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? ऑप्शन ए कंपोजिटी, बी ग्रैमिनी, सी सोलेनेसी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सोलेनेसी। क्वेश्चन नंबर 19, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? ऑप्शन ए मालवेसी, बी कंपोजिटी, सी सोलेनेसी और डी ग्रैमिनी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मालवेसी। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बैगन किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए सोलेनेसी, बी कंपोजिटी, सी मालवेसी और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी। इसी तरह से अपना ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।